आज मैं हाँ आज मैं ट्रायल कर रही हूँ, बट मतलब मैं आप इसमें देखिए पूरा, क्योंकि अभी आज मैं किस तरह से वो होता है, आज आज फर्स्ट हाँ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, रहता है तो नेक्स्ट टाइम से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट लाइफ में यह है कि आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर साथ में बनाते हो आप तो। मैंने YouTube एक्चुअली मेरा भतीजा है, उसने ही सारा कलेक्ट करके करा है तो इसलिए आज वो पूरा लाइव आ रहा है। तो मैं बाद में उससे पूछूंगी उसने किस तरह से करा है, तो मैं डेफिनेट आपसे शेयर करूंगी वो। आप ना आपको चार्ट दिखाए थे, मुझे दिखाया कि मैं चार्ट के आपको वो भी दिखा पाऊँगा। आप लोग ग्रुप में जो हो अगर देख रहे हो तो मेरी एक फ्रेंड है, उनको मैं कुछ लिंक भेज दी थी, मैंने भेज दी है शायद उनको, मैंने भेजी है गूगल मीट की लिंक। ये देखिए, ये हमारा मोल्डेड मिक्स हो गया। हम अपने कैनवास पे जो ये ए प्लस ग्लू है, बहुत जल्दी स्टिक करता है ये। तो जो भी हमारा डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करके हेलो हेलो अनीता जी, तो हम थोड़ा सा अपना मोल्ड लेंगे। उसके फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेस हमको 3D उसमें चाहिए, तो हम उसको राउंड रखेंगे। हेलो अनीता जी, हाँ 8x10, 8x10 10 इंच का है। हाँ बिल्कुल, मेरे को एक्चुअली सुबह ही करना था बट मेरे माइंड से स्किप हो गया वो, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। कि नहीं तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेते, अब आप मगर इस प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, मैं शेयर करूँगी इसको ग्रुप में ना। और उसमें नियॉन कलर करिएगा, क्योंकि मैं भी कलर अभी मैं आपको कल मैं बता दूंगी कलर के शेड इसमें हम कौन से लगाएंगे, क्योंकि नियॉन कलर मेरे को उस शॉप पे था नहीं, वो बोला इवनिंग तक आएगा। मैंने कहा चलो अपन अपना काम तो करते हैं, फिर इवनिंग में आके मैं ले जाऊंगी उसको। तो मैं नियॉन कलर करके आपको फिर ग्रुप में सेंड करूंगी। अभी इसके पीछे में बैकग्राउंड हम ब्लैक देंगे, और नियॉन कलर आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ नियॉन कलर इस बार, तो नियॉन कलर बहुत वाइब्रेंट है और वो ना अंधेरे में भी चमकेंगे, जैसे अपना रेडियम वाला कलर होता है ना, तो उसमें सारे कलर उसी तरह के हैं, इसलिए एक बार उसका यूज़ करके मैं बताना चाह रही थी।
ये इसका नेक का पोर्शन है, जल्दी जल्दी ही बताऊंगी आपको। फिर इसके बॉडी का पोर्शन चिपकाएंगे, उसमें बहुत अच्छे फ्लोरल, आई थिंक कुछ लोगों ने तो मेरे को मटेरियल भेजा है, पिक भेजी है, तो उसमें फ्लोरल कलर्स होते हैं, आपको पता होगा, एक पिंक है, एक ग्रीन है, एक वाइट एंड से येलो तो नहीं बोलेंगे बट वो कलर है, तो वो बहुत, वो आपकी पिक्चर को नाइट में भी ये हमने यहाँ पे बॉडी का कलर जोड़ा। और कैनवास में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि आप लोग ना इतनी मेहनत करो किसी कागज़ पे या कार्डबोर्ड पे करोगे, फिर क्या है थोड़ा सा मोल्डेड हैवी होगा, और फिर आप कलर भी करोगे, और इस सीज़न में क्या होता है कार्डबोर्ड पे मॉइस्चर आ जाता है, तो आप इसलिए छोटा कैनवास लीजिए। मैंने छोटा डिज़ाइन इसलिए प्रेफर करा कि आप लोगों को कैनवास छोटा ले, आपको एक ट्रायल हो जाएगा कि आप कैसा वर्क कर रहे हो। हाँ वो आप ना या तो फैब्रिक्रिल का ही एक मॉच पॉच करके एक ग्लू होता है, या तो आप वो उसके ऊपर कर सकते हो, या फिर आप अपना क्लियर वार्निश जो आता है ना, क्लियर वार्निश, हाँ, तो आप या मॉच पॉच का कर दीजिए, या अपना फेबिकॉल का, फेबिकॉल का भी लेयर कर सकते हो, मगर पतला उसको जो, हाँ, एक मिनट आते हो। निमित, आपको क्लियर दिख रहा है? ओके, इसको थोड़ा थोड़ा सा टेलकम लगा के आप फाइन करते जाइएगा, क्योंकि स्मूथ होगा ये और थोड़ा सा शाइन भी करने लगता है टेलकम से। तो हम इसके यहाँ से हैंड, तो हमको क्लियर वार्निश एक एशियन पेंट का भी आता है, या आपके पास नहीं है तो आप एमआर जो अपना फेविकॉल होता है ना, उसमें बिल्कुल लिटिल बिट वाटर मिक्स करके करिएगा, तो हो जाएगा आपका। हाँ, वो यूज़ कर सकते हो ना आप, नहीं नहीं भी हो तो आप खरीद के मत लाइए, ये आपका एमआर फेबिकॉल जो होता है ना, इसमें हल्का सा, बहुत बहुत थोड़ा सा वाटर मिला के आप उसको ब्रश से कर दीजिए, तो भी वो ठीक हो जाए, मतलब सेफ हो जाएगा वो। अब इसका ये जो हाथ बनाएंगे हम, स्टार्टिंग में इधर पीछे साइड थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पतला रहेगा,
आप में से कोई भी ना थोड़ा सा मेरी, मैंने कैमरा सेट कर दिया है, आप मेरी एक हेल्प करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस तरफ का हाथ बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब ये दूसरे हैंड पे आप ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी वर्क करते हैं, या तो ए प्लस ग्लू लीजिए या फिर फैब्रिक ग्लू, क्योंकि ये स्टिकी अच्छे से स्टिक हो जाता है जल्दी, और फैब्रिक ग्लू स्टिक होने के बाद ट्रांसपेरेंट भी हो, मतलब सॉरी ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर निकलता भी है तो आपके उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम ये, आपको एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने येलो से करा है, आप लोग बना के दूंगी इस पे, तब दिखेगा। अब इसके यहाँ पे ये देखिए, ये शॉल सा उड़ा ओढ़ा हुआ है, तो अब इसको बनाएंगे हम, ये चीज जो है यहाँ से ये इसको लगाएंगे। ये ट्राइबल आर्ट है एक्चुअली। ट्राइबल आर्ट में मतलब बहुत सारे हैं, वर्ली भी है और गोंड आर्ट भी है, तो ये एक तरह का ट्राइबल आर्ट ही है। तो ये वर्ली फॉर्म में तो नहीं है, अफ्रीकन में है ये, है ना, अफ्रीकन ट्राइबल आर्ट है ये, चौरा आर्ट। मैम चौरा आर्ट तो मैंने नहीं सुना कि, मतलब आपको अगर पता है कुछ उसका तो मुझे बता दीजिए क्योंकि चौरा आर्ट मैंने नाम नहीं सुना अभी, मैं बताऊंगी अगर मेरे को, देखूंगी सर्च करके, नई चीज बताई है आपने। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे आर्ट आर्ट फॉर्म वही है, देखिए वर्क वही है, जैसे हमारे मालवास तरफ इधर ये अल्पना का वर्क जो होता है, उसी को हम उत्तराखंड में आइपन आर्ट कहते हैं, उसी को हम केरला मतलब साउथ साइड में, आर्ट फॉर्म वही है, सेम चीज बनती है, कलर का डिफरेंस आ जाता है और नाम का डिफरेंस आ जाता है, बस इतना रहता है, बाकी आर्ट फॉर्म सब वही है। जैसे गोंड आर्ट है या हमारा मधुबनी है, मधुबनी में भी देखो आप भगवानों के चित्र बनाए जाते हैं, मोस्टली किसी स्टोरी को हम उसमें वो बताते हैं कि शंकर पार्वती की शादी है या उनके घर में किसी का विवाह का फंक्शन है, सेरेमनी है कुछ, तो जो भी ये ट्राइबल आर्ट है ना, वो उस समय अपने अपनी कहानियों को, अपने लाइफ स्टाइल को, इन सबको बताने के लिए ही वो अपना चित्र बना के उस चीज को रिप्रेजेंट करते थे। तो जैसे नॉर्थ अमेरिका की कुछ चीजें हैं, वही चीजें साउथ अफ्रीका की कुछ, जैसे पेरुबियन आर्ट है उसमें मिलता है, एम्ब्रॉयडरी जो है उत्तराखंड की वो पेरुबियन एम्ब्रॉयडरी से मिलती जुलती है। तो
फॉर्म सब वही है, बस नाम अलग अलग है हमारा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कलर का और उसका। तो ये मैं इसको हम शॉल बनाएंगे, थोड़ा सा ना ज्यादा यूज करिएगा लीजिएगा आप, ताकि ये शॉल में कि आपको ये 3D लुक में आए थोड़ा। थोड़ा अभी प्रॉपर दिख रहा है ना। उसके बाद ओके, इसके बाद हम इस पे ये थोड़ा सा ये इसका डिजाइन देंगे। अब इतना ही, यहां से यहां तक एक हमको शॉल का पीस लेना है। तो नीचे के साइड में थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, ऊपर साइड में थोड़ा सा पतला रहेगा। हाँ, उसको एक्रेलिक कलर से आप ब्लैक करिएगा। हाँ, बट अब आप पहले इसको बना लीजिए, या तो पहले ब्लैक कर लीजिएगा, फिर एक वाइट कार्बन भी आता है, वाइट कार्बन से आप उसको ट्रेस कर लीजिए, या पहले बना लीजिए और ये इस आपके इस पूरे आर्टिकल को, इस डिजाइन को बचाते हुए आप पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दे सकते। थोड़ा थोड़ा बचाते हुए करना है उसको। यहाँ से इसका ये शॉल का पीस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा टेलकम से स्मूथ कर दीजिए। मैम कलमकार मधुबनी तो अपना बिहार का आर्ट फॉर्म है, मैंने बोला ना आर्ट फॉर्म वही है। देखिए कलमकारी में भी आपको मोर के डिजाइन भी मिलते हैं, घोड़े के, इसके सबके एनिमल्स के, कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एनिमल्स हैं उनके डिजाइन मिलते हैं। बट कलम ये अपना मधुबनी जो है वो बिहार का आर्ट फॉर्म है, ठीक है। कलमकारी में कुछ बेसिक कलर होते हैं जो आप पर्टिकुलर ट्रेडिशनल कलमकारी अगर आप पेंट करोगे तो उसमें इंडियन रेड कलर, थोड़े से डल कलर होते हैं, मतलब आप कलमकारी का प्रिंट देखो तो आप उसमें थोड़ा सा डल मेहरून सा कलर होगा, इंडियन रेड होता है जो ब्रिक कलर होता है, और उसके बेस में हम लोग ऑफ वाइट कलर से थोड़ा सा डल, मतलब ऑफ वाइट में थोड़ा लाइट ग्रीन कलर बहुत लिटिल बिट मिला के उस कलर को हम बेस पे करते हैं उसके। मतलब जैसे ये वाइट दिख रहा है तो पहले हम उस बेस पे वो वाला कलर करेंगे, उसके बाद उस पे मेहरून कलर का बेस देंगे, फिर हम वर्क करते हैं। ग्रीन कलर भी पर्टिकुलर ब्राइट नहीं होते उसमें, उसमें सारे कलर डल होते हैं कलमकारी में। और कलमकारी जो है वो कुछ चार पांच कलर ही होते हैं, उन्हीं में आप वैसे आप अपनी मर्जी से कलर बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल चीज बनानी है तो आपको उन्हीं कलर का यूज करना ज्यादा, तभी आपका वो कलमकारी का जैसे ट्रेडिशनल पक्का जैसे रहेगा, जैसे मधुबनी में रहता है कि डबल लाइन करना है। अब हम ये इसका
पैर के ऊपर मैं इसके लगा रही हूँ, इसका पैर बनेगा। तो बस ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। आप देखो कलमकारी में भी, मधुबनी में भी मोर के डिज़ाइन रहते हैं, कृष्णा जी का भी रहता है। तो सिर्फ जगह के कारण नाम का फर्क है। और जैसे केरला आर्ट है, केरला आर्ट में सिर्फ 5 कलर यूज होते हैं बेसिकली, जो ट्रेडिशनल कलर करोगे आप। तो बस उतना ही अंतर है, बहुत ज्यादा कुछ आप सर्च करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेंगी आपको उसमें। गोंड आर्ट है, गोंड आर्ट हमारा मध्य प्रदेश का है ट्रेडिशनल, जैसे वर्ली जो है वो महाराष्ट्र का है। थोड़ा सा पैर पतला गया है यहाँ पे। आप लोगों के पास नियॉन कलर है क्या सबके पास? हाँ, किधर गए सब? नहीं, बाकी पार्टिसिपेंट्स, मैम कलमकारी का आप पूछ रहे थे, आपके पास नियॉन कलर्स हैं? ओके अंजना, किस कौन बोला अभी? अंजलि। ओके, आप नियॉन में करिएगा। इसका बॉर्डर भी जो है, आप, मैं बॉर्डर बताती हूँ बाद में, आप उसमें नियॉन कलर ही करिएगा। और ये पिक मैं आपको कल सेंड करूंगी नियॉन कलर के साथ पेंट करके, क्योंकि नियॉन कलर अभी था नहीं उनके पास। अब हमको थोड़ा सा मोल्डेड मिलाना पड़ेगा इसका, इसमें एक पैर का वो ऊंचाई देने के लिए मैं लगा ही देती हूँ। ये देखिए, अभी आप डायग्राम देखेंगे ना जब मैं भेजूंगी, तो ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये पैर का अंदर से फील हो रहा है कि यहाँ पे पैर ऐसा मुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर से उन्होंने ये कपड़ा जो इनका है वो है। तो उसके लिए हम यहाँ भी थोड़ा सा मोल्डेड लगाएंगे और उसके ऊपर से फिर इसका ड्रेस वेयर करेंगे। कोई बना रहा है कैसा? अच्छा, वो बना नहीं सकते, मैंने आज प्रिंट आउट नहीं भेजा आपको ना। चलिए, बट पिछले लास्ट क्लास में आप थे क्या मेरे, आप लोग? हाँ बेटा, मैं आपको भेज दूंगी। टेंशन पाउडर मैंने 15 को बोला था सबसे कि 17 को भी है क्लास। आई डोंट नो, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ये दोनों कलर अच्छे से मिक्स होके प्रॉपर वाइट हो जाए। इतनी देर तक इसको हमें मिक्स करना है।
बहुत उसे पतली सी। अच्छा अब इसके ऊपर से हम इसकी ये जो फ्रिल है इसको बनाएंगे और फिर इस पे ये डिजाइन देंगे। इसको थोड़ा सा बेलना होगा तो इसको एक साइड करती हूँ। इसको हमें उस पर पहनाना है। अब हम उसको उसके हिसाब से कटिंग कर देंगे कहाँ तक चाहिए हमको। इसको भी हमें ये पैर दिखाना है इनका, तो ये फ्रिल हमारी नीचे तक ही आएगी, तो इसको ये एक्स्ट्रा वाला जो मोल्डेड है उसको हम कट कर देंगे। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं ही अकेले यहाँ पे कर रहे हो, आप लोग हो कि नहीं हो।
ये देखिए, ये उसका ड्रेस आएगा उसमें से। ये अभी देखिए, हमने नीचे ये इसलिए दिया क्योंकि अभी इसका लुक बिल्कुल अलग। हम अकेले ये भी लगा सकते थे, ऐसे लगा सकते थे कि जरूरी नहीं था नीचे जो हमने पैर के जगह पे ये नीचे, बट देखिए इससे इसका लुक अलग आ रहा है, तो इसलिए ये लगाने पे वो ज़्यादा अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा सा टेलकम से रब कर देंगे इसको अंदर करके, इसके पैर के पास से हटा के। अब हम इस पर डिजाइन देंगे। आप उससे भी दे सकते हो, निडिल से दे सकते हो। निडल अगर अगर आपके पास नहीं है तो अपनी टूथ पिक होती है, टूथ पिक से भी आप उस पर डिजाइन दे सकते हो। कटर होगा तो कटर से दे सकते हो आप। और जिस किसी से भी आप, जैसे ये निडल है, ये टूथ पिक है, ये सब हमारे घर के औजार हैं वर्क करने के लिए। अब इस पे हम डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पहले मोल्डेड से हम बाकी चीजें भी बना लेते हैं, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। ये यहाँ का इसके फेस के पास का ये मफलर और इनके बाल, मैं इसकी जब प्रिंट आउट भेजूंगी तो आपको क्लियर होगी चीज़ें। तो उसी तरह से आप कौन सा भाग नीचे आया है, कौन सा ऊपर गया है, उस तरह से फिर आप उस पर लगाइएगा। अठारह तारीख की क्लास कंफर्म अभी आइपन आर्ट की है। और अगर नहीं कंफर्म होती है, 18 को अप्रूवल नहीं होता है वो क्लास, तो फिर हम 20-21 तारीख के बाद उसको लेंगे। उसमें मैं आइपन आर्ट सिखाऊंगी आपको। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ट्रे पे, एमडीएफ की ट्रे पे सिखाती, बट एक नया वो आया दिमाग में कि एक फैब्रिक ट्रे बनाते हैं हम। फैब्रिक ट्रे बनाएंगे और उस पर आईपान आर्ट करेंगे। तो जो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे, अपना जहाँ भी आपका ठीक लगे, जो आपका फेवरेट कॉर्नर हो अपने चीज़ों को यूज रखने के लिए, आप उसको यूज कर सकते हो। वो बिल्कुल ट्रे जैसी लगती है। एक नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए भी, फैब्रिक ट्रे। ये बहुत इजी डिजाइन था जो आप 1 घंटे में बना सकते हो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। फिफ्टी ग्राम के मोल्डेड में भी हो सकता है थोड़ा बहुत और ज्यादा लगेगा अगर लगा तो।
ये इसके पीछे से ये बाल आए हैं, ये इसका कलर हमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा। और ये पतली सी लेयर यहाँ पे ये है। हाँ, अरे आजकल टाइम ऐसा चल रहा है ना, नींद आ जाती है। हाँ मैं इसकी ड्राइंग शेयर कर दूंगी ग्रुप में, क्योंकि मेरे से भी आज थोड़ा सा माइंड से मेरे स्किप हो गया, मैंने शेयर नहीं करी थी, नहीं तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते, प्रिंट करके रखते आप उसको। मगर आप बनाइएगा ज़रूर, और 8 बाई 10 का कैनवास है उस पर बनाइएगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लो। आप लोग एक काम करिएगा, ये वाला हिस्सा पहले बना के फिर उसका फेस लगाना, तो ये नीचे नीचे की तरफ रहेगा। ये देखिए, ये अलग से दिखने लगता है ना, तो आप पहले ये हिस्सा लगा देना, उसके बाद ये फेस लगाना। अब इस पे हम अलग से नहीं लगा रहे हैं, हम टेक्सचर दे के ही इसके, ये देखिए यहाँ पे इसकी चूड़ियाँ बना देंगे, यहाँ पे ये बाजूबंद बनेगा। इसमें अलग से मोल्डेड नहीं लगा रहे हैं हम, पहले ही हम इतना मोटा लगाएंगे, कलर करने पे ये दिखेगा अलग से। बस गले वाला हम अलग से पहनाएंगे। ये इसके हाथ का बाजूबंद थोड़ा सा दिखेगा, पास से दिखाती हूँ अभी मैं आपको, पूरा हो जाए। कि ये जो अलग अलग जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये नहीं दिखते, या तो और ऊपर से थोड़ा सा फेस के लिए लगा देती हूँ मैं, थोड़ा और 3D आ जाएगा। मतलब हमको ऐसा लेना है कि ये जॉइंट्स जो इन चीजों के आए हैं वो ना दिखें, तो आप लोग फेस बाद में लगा सकते हो। सुनिए, हाँ आप लोग अगर YouTube पे मेरे साथ कुछ भी कमेंट्स कर रहे हो, तो मैं अभी प्लीज़ देख नहीं पा रही हूँ, मैं आपका आंसर करूँगी बाद में उसका बनाते समय।
रूबिका ये फैबिक्रिल का मोल्डेड है। फैबिक्रिल का जो शिल्पकार आता था पहले, ये फैबिक्रिल का मोल्डेड है। आपको अगर इससे ये वाला, ये मेरा 800 ग्राम का पैक है। इसका 50 ग्राम के भी पैक आते हैं 20 रुपीज़ के, आप वो भी ले सकते हो। तो वो डेढ़ डेढ़ आई थिंक डेढ़ मोल्डेड में हो जाएगा वो आपका। मेरा ये 100 ग्राम का पैकेट था, इसमें से ये एक ही बच भी गया है। अभी नीचे भी हम, नीचे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। इसका जो ये डिज़ाइन है, ये मोल्डेड से भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास रेत में जो पत्थर आते हैं चपटे, आप उनको, या छोटे छोटे सीप आते हैं उनको यहाँ पे आप नीचे लगा सकते हो, फिर उसको कलर कर सकते हो। ये इसके मफलर का डिज़ाइन, बस हम इनकी ज्वेलरी, ये मफलर का एक गले में जो राउंड गया है वो ऊपर से पहनाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा है वो दिखेगा नहीं, और पतला करते हैं इसको। इनकी चूड़ियाँ हो गई, बाजू बंद हो गए, यहाँ पे है इसके ये सब थोड़े से गहरे करिएगा, क्योंकि फिर जब हम कलर करेंगे ना तो वो अलग से दिखेंगे। आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो, चलो हाँ बस इसको अब हम डिजाइन कर देंगे इस पे। आपको जो भी डिजाइन डालना हो आप डाल सकते हो, या कलर से भी कर सकते हो आप। कलर करके उसके ऊपर ये इसका डिजाइन, अगर आपसे नहीं हो तो कलर करने के बाद ब्लैक कलर से लाइनिंग डाल सकते हो आप। इसमें हम राउंड डिजाइन भी बना सकते हैं। हम इस तरह का ट्रायंगल दे सकते हैं। अगर आपके पास स्केच पेन हो तो उसके बैक साइड से भी आप डिजाइन बना सकते हैं। ये बन गया। अब ये इतना मोल्डेड बचा है तो इसके पेबल्स नीचे लगा देती हूँ।
यूट्यूब का जो मैंने बनाया है उस पे हर मंडे को मैं लाइव एक सेशन लूंगी, बाकी का वीडियोस अपलोड करेंगे। इस पे भी हम डिजाइन डाल देंगे। जितना मोल्डेड बचा है उतना बाकी मैं कलर आपको बैक ललिता दिख नहीं रहा। ये डिजाइन मैं शेयर ग्रुप में पिक शेयर करूंगी तब समझ में आएगा वो। तो वो डिजाइन प्रिंट आउट करके आप, पिछले सबमिशन भी बहुत कम लोगों के आए हैं, मैं ग्रुप में आज मैसेज करूंगी, आप 1-2 दिन में सबमिशन दीजिए सब लोग। और उसमें नियॉन कलर में ये बैकग्राउंड तो देना ही है, और मैं कलर करके रात में ये आपको भेज दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कलर कर लीजिएगा, या आपको जो पसंद आया उनमें से। बॉर्डर बनाया है हमने इस तरह से, ये बॉर्डर की लाइन है, इसको उसमें नियॉन कलर में जो 4 कलर्स की किट रहती है वो बहुत अच्छे कलर्स हैं, तो आप अपनी चॉइस से उसमें कलर कर सकते हो। जो आप ये जिस जगह भी ये अपनी ये पेंटिंग टांगोगे, ये वर्क टांगोगे, वो वाइब्रेंट करेगा, जैसे रेडियम का होता है ना, अंधेरे में चमकते हैं, तो वो कलर इसी तरह के हैं कि वो अंधेरे में चमकते हैं वो। बस ये पूरा हो गया है हमारा कलर करके, मैं इसको आपको सेंड करती हूँ पिक सबको। और 18 तारीख की क्लास जैसी भी फाइनल होती है, उसमें आईपन आर्ट है उत्तराखंड का, उससे हम एक फैब्रिक ट्रे बनाएंगे। पहले एमडीएफ पे ये देखिए, ये बनाई है, ये फैब्रिक ट्रे है, कपड़े के ऊपर हम ये ट्रे बनाएंगे और उस पे आईपन आर्ट करेंगे, अपना वर्क करेंगे। हाँ, कपड़ा कॉटन का है, क्योंकि कॉटन पे ही अच्छे से हमारे कलर स्प्रेड अच्छे से होते हैं, और फिर थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है ना उसमें, वो ज़्यादा। हाँ, प्लेन वाइट ले, प्लेन कोई से भी कलर का जिसपे हम डार्क मैरून या ब्लैक कलर से वर्क कर सकें, तो उस तरह का कोई भी कलर का आप ले लेना। जितनी बड़ी बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी बनानी है तो 1 1 मीटर तो बहुत है, उसमें से बच भी जाएगा। तो ये मैं कलर करके भेजती हूँ इसका, वो सारा बैकग्राउंड और ये हो, तो ये हमारा आर्टिकल आज का तैयार है, इसकी पिक भेज दूंगी मैं ग्रुप में कलर करके ना। चलो कलर कैसे करना है, कलर करना बता दूँ आपको?
हाँ मैं येलो, मेरे पास जो कलर है फिर मैं वो बताती हूँ, बट आप लोग नियॉन कलर करिएगा क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छा दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे मिला नहीं, उनने बोला मैं शाम तक शॉप पे आएगा तो मैं ला के उसी से करूँगी, बट अभी आपको येलो कलर से मैं बता देती हूँ कलर कहाँ रखती हूँ। हाँ नियॉन कलर फेविक्रिल के ही हैं, तो मैं आपको गोल्डन कलर बताती हूँ करके, तो गोल्डन कलर भी थोड़ा सा डार्क ही रहता है तो अच्छा हो जाएगा। एक इस पे तो आप स्किन कलर या ब्लैक ब्लैक मत करिएगा क्योंकि हम बैकग्राउंड ब्लैक देंगे, तो इस पे स्किन कलर करना है तो आप वाइट कलर में बहुत जरा सी ड्रॉप, जैसे ये मैंने इतना सा छोटा सा येलो लगाया, इतना सा आप बर्न सियाना या ब्राउन कलर लगा के मिक्स करेंगे वाइट में तो आपका स्किन कलर बहुत प्यारा सा बन जाता है, या लाइट बहुत हल्का ऑरेंज मिला सकते हो आप वाइट में, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा ऑरेंज मिला के आपको कलर मिक्स करोगे तब समझ में आ जाएगा वो स्किन कलर बन जाता है। क्योंकि हम ब्लैक पीछे दे रहे हैं इसलिए हम इस पे स्किन कलर ब्लैक कलर नहीं करेंगे, इसकी बॉडी पे हम दूसरा कलर, इसका मैं ये इस मफलर इस कलर का बना देती हूँ। कलर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कलर तो जैसे आप कपड़े पे करते हो वैसे, या तो वाइट बेस दे दीजिएगा अगर नहीं चढ़े तो पहले वाइट कलर, मगर अगर नहीं वाइट करना है तो डबल कोटिंग करना कलर की, एक बार जब पूरा कलर सूख जाए तब फिर डबल कोट करना। नियॉन अभी मेरे पास है नहीं ना इसलिए यहाँ पे नियॉन ही कलर करके बताती मैं आपको, मेरे को मिले नहीं यहाँ कलर, नियॉन खत्म हो गए थे। नियॉन कलर ही यूज करना है इसमें, इसके बॉर्डर में भी और इसकी पूरी ड्रेस में भी, मैं इसलिए आप बोलो कलर किस तरह से करना है तो मैं कलर करके बता रही हूँ, मैं इसके ऊपर नियॉन कलर कर दूंगी, नहीं तो सिर्फ एक ये वाला मफलर छोड़ दूंगी बाकी नियॉन से करूंगी, इसका ये जो नीचे का पार्ट है लहंगा इसका। और अगर हाँ वो मैं अभी डाल रही हूँ, अभी डाल दे रही हूँ उसको, तो प्रिंट आउट निकलवा के आप, और नियॉन नहीं है आपके पास तो फिर आप फिर अपने पसंद से एक्रिलिक कलर कर लेना। थोड़े से ब्राइट कलर यूज कर लेना आप, तो व्हाइट में ऑरेंज मिला के स्किन कलर बना लीजिएगा जो इसकी बॉडी पे, नेक पे, फेस पे, और ये बीच का जो इसका है पोर्शन उस पे करना है, मैं हाथ पे ये सेंटर में, ये आप प्रिंट आउट से आपको बॉडी बॉडी का समझ में आ ही जाएगा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि मोल्डेड पे एक कोटिंग में नहीं आता, जब फर्स्ट कोटिंग आपकी पूरी तरह ड्राई हो जाए तब आप सेकंड कोटिंग करना उस पर, ठीक है। मैं अभी शॉप पे दोबारा जाऊंगी, अगर उसके नियॉन कलर आ गए होंगे तो मैं उससे करके आपको रात तक ये पिक सेंड कर दूंगी, रात नहीं तो कल सवेरे जैसे भी काम हो जाएगा। कैनवास, कैनवास आर्ट एंड क्राफ्ट का जो शो रखते हैं उन क्या मिलेगा, और कुछ स्टेशनरी बुक्स वाले भी रखते हैं, तो ये छोटा है 8 बाई 8 बाई 10 का है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी जैसे मेरे इसमें देखो नीचे इसमें ये जो स्पेस बचा है तो यहाँ पे मैं वो रेत में छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो पेस्ट करूँगी, वो बहुत अच्छा लुक आएगा फिर उसका, ये वाले मोल्डेड से फिल करूँगी, और फिर ये इस पे आप या तो रेत थोड़ी सी डाल दो, नर्मदा सेंट वाली जो रेत आती है ना, या उसके पेबल्स पास पास लगाओगे, उसमें सीप भी आती है छोटी छोटी ना, तो वो लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके।
बाय बाय। हाँ देखिए, वो दो तरह से, आप अगर आपके पास, हेलो। हाँ वो, हाँ आप पूछ रहे थे ना कि कपड़ा, कपड़ा तो कॉटन का रहेगा, लेकिन अगर आपके पास MDF की ट्रे है तो आप उस पे भी बना सकते हो। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, चलिए मैं आपको ग्रुप में आंसर दे दूंगी उसका, ठीक है? ओके बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। गूगल,